बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 14 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वर्कशीट का नंबर है 44, यानी कि 44। वर्कशीट है क्लास 9th के लिए और हिंदी की वर्कशीट है, जिसमें हम बच्चे काम पर जा रहे हैं भाग 2 पढ़ने वाले हैं। पिछले कार्यपत्रक संख्या 41 में हमने जाना कि कवि राजेश जोशी जी बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड और कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखते हैं, जिससे उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। उनको यह समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। अब उसके आगे पढ़ेंगे हम। बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारा मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? तो बेटा, इसकी व्याख्या है यहाँ पे जो कवि हमारे राजेश जोशी जी हैं, वो कहना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें ख़त्म हो चुकी हैं और या फिर आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों को पढ़ने के लिए अभी किताबें बची नहीं हैं? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है और क्या सभी खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा, क्या इन बच्चों को पढ़ने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप से टूट चुके हैं? जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेलकूद को छोड़कर काम पे जा रहे हैं, क्या कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहता है कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह ख़त्म हो चुकी हैं? क्या सारा मैदान जहाँ बच्चे खेला करते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे एवं सारे घरों में आंगन समाप्त हो चुके हैं? जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बसा, इसलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। तो क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? तो अभी क्या है, आपने पढ़ा कि कवि बहुत मायूस होकर कहते हैं कि क्या हुआ भाई उन किताबों का, क्या हुआ उन मदरसों का, क्या सब बंद हो गए हैं, सब ख़त्म हो गए हैं? तो यही पूछते हुए हमने पढ़ा कि इसके अंदर ये था, व्याख्या कर ली हमने। अब 4 प्रश्न हैं, उनके उत्तर देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, कवि की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या सब समाप्त हो गया है? तो बेटा, गेंद, किताबें, खिलौने, विद्यालय, मदरसे विद्यालय को ही कहते हैं, मैदान, बगीचे और घर की आंगन एकाएक समाप्त हो गए हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से क्या सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अधिकार प्राप्त हैं? बताइए कैसे। तो पूछा गया है कि भाई जितने बच्चे हैं उनको सेम वे में खेलकूद के अवसर मिलते हैं, सेम वे में शिक्षा के अवसर मिलते हैं? तो बेटा, ये कहना तो गलत है कि सभी बच्चों को एक समान अवसर प्राप्त होते हैं, नहीं होते ऐसा। बहुत से बच्चे बेटा बचपन में ही बड़े हो जाते हैं और पढ़ लिख नहीं पाते हैं। इनका मुख्य कारण आर्थिक असमानता है। मान लीजिए हमारे पेरेंट्स वेल टू डू हैं, हम लोगों को स्कूल भेज रहे हैं, ऐसे भी तो है। मान लीजिए जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो रोड पर रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, नहीं भेज पाते, वो इतने ज़्यादा आर्थिक असमानता है। कोई पर्सन इतने गरीब है कि वो कुछ नहीं कर पाते। तीसरा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। अपने मित्र या अध्यापिका के से बातचीत करके लिखिए कि यह कानून क्या कहता है। तो बेटा, अनुच्छेद 24 के तहत जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं बेटा, उनको कारखाने या खानों में काम करने में के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक काम में इन्हें नहीं लगाया जाएगा। चौथा प्रश्न है बच्चों, क्या आप जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो आपको ध्यान अपना खुद को रखना है वहाँ पे और बताइए कैसा लग रहा है। तो मैं सुबह सुबह काम पर निकलता हूँ, जब भी मैं स्कूल जाते बच्चों को देखता हूँ तो मेरा भी बहुत मन करता है पढ़ने का। मैं भी बड़ा साहब बनना चाहता हूँ और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना चाहता हूँ। मैं भी खिलौने खेलना चाहता हूँ और मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। पेट भरने के लिए काम जाना भी पर जाना भी ज़रूरी है। काश मैं आम बच्चों की तरह पढ़ लिख पाता और खेल कूद पाता। तो इसी के साथ हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। साइंस और मैथ्स की वर्कशीट आपको चैनल पे मिल जाएगी। चलिए, अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।